सबसे पहले तो ब्रेकिंग चेक करते हैं और फिर मैकेनिकल ब्रेकिंग क्या आती है, मैकेनिकल ब्रेकिंग की डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। देखिए बेसिकली ब्रेकिंग दो तरह से होती है, एक इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जिसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स दे के ब्रेक करे होते हैं, ठीक है। दूसरा मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है, मैकेनिकल ब्रेकिंग में हम मैकेनिकल पावर के साथ ब्रेक लगा रहे होते हैं। ब्रेकिंग का मतलब होता है या तो स्पीड को कम कर दिया जाए या स्पीड क्या कर दिए बिल्कुल रोक दिया जाए किसी भी सिस्टम को। मैकेनिकल ब्रेकिंग की डिफरेंट टाइप हैं, डिस्क ब्रेक होगी, ड्रम, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ABS होगी। डिस्क ब्रेक क्या होती है, डिस्क ब्रेक में होती है ये जो हमारे पास पैड लगा, ये ब्रेक के पैड लगा हुआ है, इसको रोका जाता है, इसको मैकेनिकली कह लें या हाइड्रोलिकली या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इसको ये रोका जाता है, इस चीज़ को इसके साथ क्लैंपर के साथ, ब्रेक क्लैंपर के साथ में। ये जो ब्रेकिंग पैड्स हैं इनकी मदद से हम क्या करते हैं, इस डिस्क को रोक लेते हैं। और जब इसको रोकते हैं तो इस फ्रिक्शन की वजह से ये क्या होती है, स्लो हो जाती है या फिर बिल्कुल रुक जाती है। इसी तरह ड्रम ब्रेकिंग होती है। अच्छा, ड्रम ब्रेकिंग में क्या करते हैं कि हमारी जो ब्रेकिंग पावर है वो हासिल की जाती है इन शूज के साथ, ये जो ड्रम के, इस ड्रम के एक्सल के साथ साथ ये मूव करते हैं उनसे हासिल की जाती है। और वो इसी के सरफेस के साथ साथ चलते हैं और इसी के डायरेक्शन में चलते हैं, इससे हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल होती है। जब ब्रेकिंग प्लेट को प्रेस करते हैं, बॉटल उसकी होजिंग को दबाते हैं, तो सिंस क्योंकि ब्रेकिंग प्लेट्स वो फिट होती हैं उसके अंदर, तो इस तरह से इसको रोका जाता है। ये आजकल कम ही इस्तेमाल होती हैं। इसके डायग्राम देखें ये यहाँ से इस ड्रम को पुश किया जा रहा होता है और यहाँ इस सर्विस प्लेट की मदद से रोका जा रहा होता है ड्रम से। देखिए इसमें लगा हुआ सिलेंडर लगा हुआ है, इसके अंदर सेकेंड डिश, इसके अंदर शूज़ लगे होते हैं, यहाँ बाहर रबड़ लगा होता है। इसी तरह हाइड्रोलिक ब्रेकिंग होती है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास किसी भी गाड़ी छड़ी में एक से ज़्यादा पिस्टन लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में हाइड्रोलिक ब्रेक ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वो क्या करती है, वो ट्रांसमिट करती है पावर एक से दो पिस्टन में, ठीक है, यहाँ से एक से दूसरे तीसरे पिस्टन में पावर ट्रांसमिट करती है और इस तरह से ब्रेकिंग हासिल की जाती है। अब जब एक से दूसरे को पुश करते हैं तो यहाँ पिस्टन के अंदर इनपुट की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उस मल्टीप्लिकेशन की वजह से इसको हम जल्दी रोक सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर मल्टी पिस्टन वाले सिस्टम में यूज़ की जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग है। इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकर में हम क्या करते हैं कि लादा से इंडस्ट्रियल ड्राइव या लादा से मोटर यूज़ करते हैं इसको रोकने के लिए। ये इलेक्ट्रिकल पावर हमने दी है, पावर क्लच की मदद से हमने मोटर को क्या करते हैं इस तरह रोक लेते हैं। इसी तरह ABS ब्रेक होती है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये ABS ब्रेक जो होती है ये हमारी ब्रेक और व्हील के मास्टर सिलेंडर और व्हील के बीच में लगी होती है, ठीक है। ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीका, इसमें क्या होता है हम व्हील को सेंस करके उसकी मॉनिटर पोजीशन के लिहाज से इसको कंट्रोल किया जाता है।